नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो सबसे पहले ये वीडियो जरूर लाइक करें। भारत और विंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया ने मेहमान टीम पर बड़ी जीत दर्ज की है। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में पहले एक दिवसीय मैच में दमदार पारी खेलते हुए 140 रन बनाए। कोहली जब बैटिंग करने आए तब भारत 323 रनों के लक्ष्य के जवाब में शिखर धवन का विकेट बनवाकर थोड़ा मुश्किल में था। हालांकि कोहली ने रोहित शर्मा के साथ 186 गेंदों पर 246 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी करते हुए न केवल टीम इंडिया को संकट से उबारा बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए। कोहली ने 107 गेंदों की अपनी पारी में 21 चौके और 2 छक्के लगाए और अपने वन डे करियर का 36वां शतक ठोका। इसके साथ ही कोहली दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ते हुए बतौर कप्तान दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। बतौर कप्तान कोहली का यह 14वां शतक रहा और वे अब बस ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग से पीछे हैं। दिलचस्प ये है भी लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली के बल्ले से यह 22वां और भारत की जमीन पर 15वां शतक है। साथ ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ वे सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।